मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का क्वेश्चन आपसे शेयर किया जा रहा है। 100 लड़के लड़कियों में 36 रुपया 25 पैसा इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 50 पैसा और प्रत्येक लड़की को 25 पैसे मिले हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है। चलिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन तो और लाजवाब रहने वाला है, तो बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। लड़का लड़की मिलाकर कितना है? 100। तो हम क्या करते हैं बच्चों, माना कि लड़कों की संख्या x, यहाँ से शुरू करते हैं मैथ। माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कों की जो संख्या है बच्चों वह कितना है? x है। इसीलिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। टोटल 100 है, ध्यान रखिएगा, टोटल 100 है लड़का लड़की मिला के। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x। नहीं समझे? देखिए, 100 टोटल है, लड़का लड़की मिलाकर 100 है, उसमें लड़का x को हो गया, तो टोटल में से लड़का की संख्या को माइनस कर दिए, यानी x को निकाल दिए, टोटल में से लड़का के संख्या को माइनस कर दिए, तो जो बचा से तो लड़की ही हो गई, तो लड़कियों की संख्या 100 माइनस x। अच्छा, अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़का को 50 पैसा दिया गया है, तो हम लोग पैसा को रुपया में बदल लेते हैं, तो 50 पैसा कितने रुपया के बराबर होगा बउआ, बोलो तो 50 पैसा कितने रुपया के बराबर होगा, बता सकते हैं? नहीं। चलिए, 50 पैसा को रुपया बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 1/100 से गुना करना होगा, यानी समझिए कि 100 से भाग देना होगा। तो 50 दुनी का 100 कट गया है बच्चों, 1/2 रुपया, माने आधा रुपया इसको कह सकते हैं। 50 पैसा आधा रुपया 1/2 रुपया के बराबर हो गया, यानी प्रत्येक लड़का को 1/2 रुपया दिया गया है। अब प्रत्येक लड़की को 25 पैसा दिया गया है कि नहीं, तो अब जरा हम 25 पैसे को भी हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 25 पैसे बराबर क्या होगा बच्चों, तो 25 में 1/100 से गुना करना होगा, या यूँ समझिए कि 25 में 100 से भाग देना होगा। तो 25 चौका 100 कट गया है बच्चों, तो यहाँ पर 1/4 रुपया हो गया है। अब लड़कों को 1/2 रुपया दिया गया है, किसको? प्रत्येक लड़का को 1/2, और लड़कों की संख्या है x, तो लड़कों को दी गई कुल राशि हम निकालना चाहते हैं बच्चों। लड़कों को दी गई कुल राशि, लड़कों को दी गई कुल राशि, जरा सोचिए कि लड़कों में कितना रुपया हम बांट दिए हैं भाई। तो 1/2 रुपया एक लड़का को दे रहा है 50 पैसा, यानी 1/2 रुपया हम एक लड़का को बांट रहे हैं, वैसन एक्स गो लड़का है, तो एक्स से 1/2 में गुना कर देंगे, तो 1/2 को हमें एक्स से गुना कर देना होगा, जो रिजल्ट के रूप में हमें 1/2 मिला। इतना रुपया हम लोग लड़कों को बांट दिए हैं। अब जरा निकालते हैं लड़कियों को दी गई राशि, लड़कियों को दी गई राशि, ठीक है बच्चों, दी गई राशि, तो लड़कियों को जो दी गई राशि है बच्चों वह, तो पहले तो लड़कियों की संख्या देखिए भाई, लड़कियों की संख्या है 100 माइनस x, एक लड़की को 1/4 रुपया दिया जा रहा है, तो हम 1/4 से किसको गुना कर देंगे? 100 माइनस x को। तो चलो भाई, 100 माइनस x को 1/4 से गुना कर देना है। इतना राशि लड़कियों में बांट दी गई है, यानी कि 100 माइनस x/4, इतना रुपया हम लोग लड़कियों में बांटे हैं। अब जरा सोचिए कि टोटल कितना पैसा वितरण किया जा रहा है बच्चों, टोटल कितना पैसा वितरण किया जा रहा है, तो 36 रुपया 25 पैसा 100 लड़के लड़कियों में 36 रुपया 25 पैसा ही बांटा जा रहा है। तो चलिए, अब हम जो अमाउंट लड़कों को दे रहे हैं यानी 1/2 रुपये, और जो अमाउंट लड़कियों को दे रहे हैं 100 माइनस 1/4,
अगर लड़का को दिया जाने वाला पैसा और लड़की को दिया जाने वाला पैसा दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट के बराबर होगा, क्योंकि हमें तो 36 रुपया 25 पैसा ही बांटना है। तो अब हम अगला पेज पर इसको सोल्व करके आपको दिखाने जा रहे हैं बच्चों, तो धैर्य के साथ मेरे साथ कुछ देर और बने रहिए और हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे कि कितना लड़का कितना लड़की था भाई उसमें। चलो ये नेक्स्ट पेज है। तो प्रश्न से मेन होता है रैखिक समीकरण सेट कैसे किया जाए। अगर ये बात बच्चों को समझ में आने लगे तो फिर मैथमेटिक्स से तो वह हंसी मजाक करने लगेंगे। मेन है समीकरण सेट कैसे किया जाए। चलो बच्चों तो एक बार फिर से देखते हैं कि लड़कों को जो दिया गया राशि है वो एक्स बटा दो है और लड़कियों को जो दिया गया राशि है वो है 100 - x/4। तो एक्स बटा दो में 100 - x/4 जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट यानी 36 रुपया 25 पैसा, टोटल अमाउंट आपका 36 रुपया 25 पैसा है। चलिए तो एक्स बटा दो प्लस, ध्यान से देखिएगा, एक्स बटा दो प्लस 100 - x/4 बराबर 36 रुपया 25 पैसा। कैसे लिखेंगे, 36 + 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/4। 36 + 1/4 36 रुपया 25 पैसा के बदला 1/4 लिखा गया है, क्योंकि 36 रुपया में था 25 पैसा में था तो पैसा को रुपया में बदलना पड़ा, क्योंकि दोनों सेम मात्रक में रहेगा तभी जोड़ेंगे। ये 36 रुपया था, ये 25 पैसा था, तो दोनों को हम जोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए पहले पैसा को रुपया में हम कन्वर्ट कर लिए। तो 25 पैसा 1/4 रुपया के बराबर, अब इसके बटा में कुछ नहीं तो एक लिख दीजिए। अब यहाँ से अगर आपको रैखिक समीकरण का नॉलेज है तो खुद भी एक्स का मान निकाल सकते हैं, बट मैं इसको पूरा सोल्व करूँगा। अभी 2 × 4 का LCM 4 होगा बउआ, तो 2 × 2 = 4 = 2x एंड 4 × 1 = 4 तो 100 - x सेम टू सेम उतर जाएगा बराबर के बाद, 1 × 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 1 × 4 तो 36 × 4 = 144 एंड प्लस में 1, ये 4 से 4 नीचे नीचे आप समीकरण में काट सकते हैं बउआ। अब 2x में 1x को निकाल दोगे तो 1x बचेगा, 100 अपने जगह पर बना हुआ है एंड बराबर के बाद 144 में 1 जोड़िएगा तो 145 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 145 प्लस 100 है तो -100 हो जाएगा और 145 में 100 घटेगा तो 45, यानी x का मान 45 आ गया। और x हमने माना था लड़कों की संख्या, इसीलिए हम लिख सकते हैं लड़कों की संख्या 45, लड़कों की संख्या हो गई बच्चों कितना 45। अब सोचो 100 में लड़का 45 गो है तो लड़की कितना, सोचो अब 100 बच्चा में 45 गो लड़का था तो लड़की कै गो थी, सोचो बुआ सा, सोचो दिमाग लगा, मैथ दिमाग लगाने का वस्तु है, समझ गए, 8th क्लास का ये मैथ है लेकिन बहुत अच्छा है, कंपटीशन का आधार है लड़कियों की संख्या। सोचो 100 में 45 गो लड़का तो कै गो लड़की, 100 में से 45 को माइनस कर दीजिए है ना, तो 55 को लड़की हो गई, रुपया लिख रहे हैं सॉरी। तो यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, 55 आंसर हो गया और 45 आंसर हो गया। तो आई होप ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियो को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करते हैं इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।